अरविंद केजरीवाल की जगह लेंगी सुनीता। अगले 48 घंटों के अंदर दिल्ली में हो सकता है बड़ा फेरबदल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी को आगामी चुनाव में बुलाने में जुटी हुई है। इसको देखते हुए पार्टी ने 31 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की मेगा रैली बुलाई है। इसमें तमाम बड़े नेता जुटेंगे। वही संभावना है कि इस रैली में झारखंड की तर्ज पर सुनीता केजरीवाल को लॉन्च किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही पार्टी की उम्मीद है। हालांकि वह पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, मगर अब 31 मार्च को वह पहली बार किसी राजनीतिक मंच से अपना भाषण दे सकती हैं। सुनीता केजरीवाल मंच से बोलने की पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के मामलों में उनकी सक्रियता बढ़ चुकी है। 31 मार्च को INDI गठबंधन की रामलीला मैदान में लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली है। इस रैली में पहली बार होगा उनका भाषण हो सकता है। इसे रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन से 2011 में अरविंद केजरीवाल को बड़ा मंच मिला था। सुनीता केजरीवाल के नाम पर पार्टी एकजुट। दरअसल अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल ही हैं जिनके नाम पर पार्टी एकजुट है। पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में वह अपनी सक्रियता बढ़ाए। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी की योजना सीएम की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर जनता से सहानुभूति लेने का लक्ष्य है। इसे सुनीता केजरीवाल के माध्यम से ही बेहतर ढंग से उठाया जा सकता है। वह अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाते हुए 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार 3 बार ऑनलाइन प्रेस वार्ता कर चुकी हैं। अब 31 मार्च को होने जा रही महारैली के लिए आप पूरी ताकत लगा रही है। आप सूत्रों की माने तो सुनीता केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर लॉन्च करने का और बेहतर तरीका नहीं हो सकता। वह इस मंच के माध्यम से जनता की सहानुभूति हासिल करेंगी। इसके माध्यम से केंद्र पर हमला करते हुए अपनी पार्टी का एजेंडा भी रखेंगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।